हाय फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी को बताने वाले हैं, हम सभी को बताई जा रही है कि 5G इंडिया में आने में बहुत लेट होगी और डिले हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5G इंडिया में आने में कोई भी डिले नहीं है। और बताना चाहूँगा, जियो की तरफ से हम सभी को 5G जो है सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा इंडिया में, और ये बहुत जल्द हम सभी को 5G देखने मिल जाएगा। और इंडिया में आने में 5G को कोई भी ज़्यादा डिले नहीं है, बहुत जल्द हम सभी को 5G मिलने वाला है। क्या प्रोसेस है 5G इंडिया में आने का, किसके कारण से लेट हो रहा है, क्यों अभी तक 5G हम सभी को देखने के लिए नहीं मिला है इंडिया में, और डिले अभी के टाइम पे क्यों हो गया है, स्पेक्ट्रम जो अभी ऑक्शन होना था वो डिले क्यों हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं हूँ अभिषेक, आप देखें टेक्नोवाइन। चलिए सो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि बताना चाहें कि जून में अभी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना था जो कि अभी डिले हो गया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 5G इंडिया में आने में और भी ज़्यादा डिले हो जाएगी, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा अभी फ़िलहाल इंडिया में 5G आने में कोई भी ज़्यादा डिले नहीं है। इंडिया में बस 5G अब बस आने ही वाली है, बस ऑक्शन एक बार हो जाए, इसके बाद हम सभी को 5G देखने मिल जाएगी। और बताना चाहेंगे, ये जो डिले हुई है, ऑक्शन जो होने वाली थी, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन जो होने वाली थी, ये डिले हुई है प्राइस के कारण। सरकार की तरफ से अभी तक स्पेक्ट्रम पे प्राइस सेट नहीं की गई है, साथ में जो टेलीकॉम कंपनी है ये भी प्राइस सेट नहीं कर पाई है 5G की क्या प्राइस होने वाली है। लेकिन मैं आपको इतना कंफर्म करने वाला हूँ कि 5G की जो प्राइस होने वाली, जो हम और आप जो पे करेंगे उन्हें, तो ये बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। कम होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, कम होने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4G की जो प्राइस है इसके लेवल में प्राइस होने वाली है। एकदम 4G की जो प्राइस होगी उसके एकदम सेम टू सेम प्राइस हमें 5G का देखने मिल जाएगा, जिसमें 5G में ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, 4G से ज़्यादा बेनिफिट होगा और प्राइस भी लमसम एकदम सेम होने वाला है। हम सभी को कंपनी लुभाने के लिए कुछ आकर्षक ऑफर देने वाली है, कुछ प्राइस कम रखने वाली है, कुछ बेहतरीन उसमें प्लान रहने वाली है, जिसके कारण बहुत यूज़र 5G पे शिफ्ट हो जाए बहुत जल्दी, कंपनी का ये मोटिव होने वाला है। इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, 5G की प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। और बताई जा रही है इसकी प्राइसिंग जो अभी तक सेट नहीं की गई है, ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, और ऑक्शन होने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, बस ऑप्शन अब होने ही वाला है। बताई जा रही थी अगस्त में ऑक्शन हो जाएगा, लेकिन अगस्त में अगर ऑक्शन नहीं होती, मैं मान के चलता हूँ दिसंबर में ऑक्शन होती है स्पेक्ट्रम की, फिर भी हम सभी को 5G इंडिया में बहुत जल्द देखने मिल जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने सभी वीडियो में बताया है कि आप सभी को 5G इंडिया में 2023 के मार्च अप्रैल तक देखने मिलेंगे, तो इसी सब टाइम में हम सभी को 5G इंडिया में देखने मिल जाएगा। कैसे देखने मिलेगा, ऑक्शन होने के बाद कंपनी को स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, और कंपनी पहले 15 मेट्रो सिटी में स्पेक्ट्रम लगा के वहाँ इंटरनेट चालू कर देगी 5G की। तो इस तरह से कंपनी को करने में 2 से 3 मंथ का टाइम लगेगा, 1 मंथ का टेस्टिंग भी लग सकता है, इसके बाद हम सभी को 5G प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये 15 मेट्रो सिटी में सबसे पहले लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ चेक किया जाएगा, वहाँ सब कुछ ओके रहता है, इसके बाद पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 5G वहाँ से, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, VI हो। एयरटेल का भी सेम प्रोसेस होने वाला है, जियो का भी सेम प्रोसेस होने वाला है, VI का भी सेम प्रोसेस होने वाला है, और वही 15 सिटी में लगाने वाले हैं, जहाँ सब एक जगह लगाएंगे और एक ही जगह सब कोई ट्राई करने वाले हैं। और 15 सिटी लिस्ट हो गई है, आप जाके गूगल पे जाके लिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं सभी का नाम अभी इस वीडियो में मेंशन नहीं कर सकता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को 5G इंडिया में आने में बस कुछ ही देरी है, और दिसंबर में मैं मान के चलता हूँ ऑक्शन हो जाती है, इसके बाद 4 मंथ के अंदर हम सभी को 5G देखने मिल जाएगा, और 15 मेट्रो सिटी में सबसे पहले देखने मिलेगा, इसके बाद सब कुछ ओके रहेगी, उसके बाद पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज़्यादा कम समय लगने वाला है, जैसा कि अप्रैल तक हम सभी को 5G देखने मिल जाएगा, पहले 15 मेट्रो सिटी में, इसके बाद पूरे इंडिया में दिसंबर तक, 2023 के दिसंबर तक हम सभी को 5G इंडिया में देखने मिल जाएगा। अगर हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, आपके मन में और भी कोई सवाल रह गई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में।